वहीं दूसरे चरण के वोटिंग से पहले पीएम मोदी की रैली से आखिर क्यों बदल गया समीकरण, कहां पर आरएलएसपी उम्मीदवार पर हुआ जानलेवा अटैक, शिवराज सिंह ने क्या कहा चौंकाने वाला और क्या खुलासा किया, चुनावों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राज्याभिषेक। समस्तीपुर रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि उनके बच्चे ही हर जगह जाएंगे तो आप कहां जाएंगे। अपने परिवार के साथ तो सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। छपरा में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के भी युवराज हैं। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है। मोतिहारी में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों के साथ देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले भी आ गए हैं, इनको मौका मिला तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। पीएम मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए नीति और नियत पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है, बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है, मोतिहारी में बंद चीनी मिल पर भी क्यों नहीं बोले। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन सत्ता में आता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तेजस्वी का व्यवहार लालू जी जैसा है, उन्होंने अपराधियों को अपना भागीदार बनाया है और वो उन्हें दोबारा खुली छूट दे देंगे। एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। चिराग ने सात निश्चय योजना, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा। चिराग ने कहा जब इससे मन नहीं भरा तो अब नीतीश सात निश्चय पार्ट टू ला रहे हैं। पुणे के धमदाहा में चुनाव प्रचार से लौट रहे आरएलएसपी के उम्मीदवार रमेश कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कुशवाहा बाल बाल बच गए। हमलावर दो की संख्या में थे जिनकी तलाश जारी है। रमेश ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया। ऐसे में पीएम मोदी समेत तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और अन्य दलों ने भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, लिहाजा प्रचार के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। शिवराज ने मालवा में जहां रोड शो किया, वहीं मंदसौर, देवास और ग्वालियर में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए।